प्रिय छात्र माने, आज आम नवम श्रेणीर प्रोज बहिरे थिबा प्रथम विषय जे कि द प्राइसलेस गिफ्ट विषय रे छोटी लॉन्ग क्वेश्चन विषय रे आलोचना करिबा। प्रत्येक क्वेश्चन 50 टी शब्द मध्य लिखा जाइछि एवं प्रति नंबर रे 5 मार्क लेखे मिलिबो। प्राय तुमर हाफ ईयरली परीक्षा हो किंबा आनुआल परीक्षा हो, तेणु प्रोजर जेकोसी दुईट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े एवं प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क संबलित। तेणु आम वर्तमान प्रथम क्वेश्चन टी देखा, व्हाट वाज राइटर्स एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। द राइटर went to a vegetarian restaurant at lunch time. तमने लेखक गोटे साधा होटेल को लंच खाइबापाई जाइथिले इंग्लैंड रे। He found that the restaurant was crowded. से देखिबाकु पाइले जे भोजनालयटी अति गहली थिला बा भीड़ थिला, तेनो ही चोज द कर्नर टेबल एंड सैट देयर स्किमिंग थ्रू द न्यूज़पेपर। तेनो से कोणरे पड़ीथिबा गोटे टेबल पाख को गले एवं सेठारे बसी पेपर पढ़िबाकु लागिले। ठीक से समय रे ही नोटिस्ड ए वेरी यंग गर्ल लुकिंग एट हिम। से समय रे से लक्ष्य कले ताको सामनारे बसीथिबा जणे युवती ताकु चाहुथले किपरि भावरे इन लार्ज एंड सैड एक्सप्रेशन आईज। लार्ज माने बड़ बड़ आखि करी एवं दुखर भाव प्रकाश पाउथिला। सैड एक्सप्रेशन आईज से आखिरु दुखर भाव प्रकाश पाउथिला। सी अल्सो एनक्वायर्ड अबाउट द राइटर एंड लुक्ड एट हिम वन्स अगेन। से जेटी मध्य राइटर को विषय रे अनुसंधान कले जैसे किए कौन इत्यादि एवं पुणि थरे पछ को नै तांकु देखिले। यही देखिबा ही लेखक को संदेह रे पकेथिला, तेनो एहाई थिला इट वाज द एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। भोजनालय रे से यही अभिज्ञता हासल करिथिले। वर्तमान एक नंबर टी गला, आम दुई नंबर प्रश्न टी को देखिबा। हाउ डिड द राइटर हाड ए कन्वर्सेशन विथ द गर्ल। झीटी सहित किपरि भाव से कथोपकथन कले। नेक्स्ट सैटरडे द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट। से भोजनालय को पुणे शनिवार दिन जाए पहुँचिले, कारण से भोजनालय रु खबर नहीं थिले जे झीटी प्रति शनिवार लंच खाइबा को सेठा को जाए। झीटी सहित किपरि साक्षात हबो एई कथा भाभी से पर शनिवार दिन से रेस्टोरेंट को गले। देयर ही फाउंड द गर्ल सिटिंग एट द सेम टेबल। सेठारे जाई फाउंड माने देखिले झीटी ठीक से टेबल रे बसीथिला। एंड वाज ईटिंग एवं खाउथिला। हि सैट अपोजिट हर ठीक तारी सामना रे बसिले।
एंड विश्ड हर ए गुड आफ्टरनून एवं ताको सुअपराह्न जनई थिले। देन ही मेड ए ब्रीफ रिमार्क तापर संक्षिप्त मंतव्य दे कौन करथिले सक्षम होइथिले ता सहित कथोपकथन करिबा पाई कन्वर्सेशन कथोपकथन। ये गला दुई नंबर। तापर आम देखिबा तीन नंबर प्रश्न। देखो हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट द मैगीज हाउस। मैगीर घरे लेखकों को की प्रकार व्यवहार करा जाय थिला। द राइटर एंड मैगी रीच्ड एट ए नैरो डोरवे। एक अणओसारिया द्वार पाखरे उभय लेखक एवं मैगी जाई पहुँचिले रीच्ड पहुँचिले। मैगी टुक आउट ए थिन लैच की ऑफ हर पॉकेट। मैगी तार पॉकेटरो एक पुराना एवं घोरी जाइथिबा चाबी काठीटे बाहर करले एंड ओपनड द डोर एवं द्वार को खोली थिले। द गर्ल टोल्ड फ्रॉम द डोर वे दैट अन इंडियन जेंटलमैन हैड गॉन देयर टू सी हर। तापरे मैगी डोर पाखरु थाई डाक छाड़ी ता बो को कहिथिला जे जने भारतीय भद्रलोक ता बो को देखा करिबा को आसी छंती बोली से डाक छाड़ीथिला। द राइटर हेल्ड आउट हिज हैंड्स टू ग्रीट हर। संगे संगे लेखक हाथ बढ़ाई देथिले अभिनंदन करिबा पाई बट सी कुड नॉट बिकॉज से किंतु हाथ बढ़े नथिले कारण ताकर हाथटी कौतरे परिपूर्ण थिला ना अट्टारे परिपूर्ण थिला बा हाथ असना हेइथिला जेहेतु से सब अट्टा बा मैदा चकटी केक तैयारी करूथिले तेणु हैंडशेक कला भली अवस्था नथिले तेणु मिसेस बेथी थिला मैगीर बोर ना एनक्वायर्ड अबाउट इंडिया। से लेखकों को भारत विषय सब पचारे अंड लॉन्ट दैट इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री एवं जानवा को पाई जे भारत हूँ एक सुंदर देश। हि वाज अल्सो अफोर्ड टी एंड ट्रीटेड फंडली। ताकू चा दि जा अति स्नेह चर्चा करा जाय थिला। ये गला तृतीय नंबर प्रश्न। आम बर्तमान देखिबा चतुर्थ नंबर प्रश्न। सेठी हला व्हाट डिड फ्रांकी टेल अबाउट द रिंग। रिंग विषय रे फ्रांकी कौन सब कहिथिला सेमानंकु। फ्रांकी वाज वर्किंग एज ए सोल्जर इन पंजाब। फ्रांकी पंजाब रे जने सैन्य भाव रे चाकरी करथिले। हि हैड सेंट ए रिंग विथ सेइंग दैट। से गोटे मुदी पठेला कौन कही ना इफ दे कंसंट्रेट ऑन ए डिस्टेंट पर्सन। यदि दूर रहुथुबा कोनोसी व्यक्ति उपरे एकाग्रता भाव आनी जने एटी को निरीक्षण करी देखे मुदीति को ताहले यू विल बी एबल टू सी हिम। तमे जो लोकटी को विषय रे चिंता करथिबा ए मुदी मध्यरे ताकु ही देखि पारिबो। एंड व्हाट ही इज डूइंग
ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ବଟ୍ ଦେ କୁଡ଼ଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁଦି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ଡ ଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର୍ ଏଇଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ, ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ମିରାକୁଲସ୍, ତାହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ସାଧାରଣ ମୁଦିଟିଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଫ୍ରାଙ୍କି କହିଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ତା'ର ବିଚ୍ଛେଦ କଷଣରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ଟେଲ୍ ଏ ଲାଏ, ଲେଖକ କାହିଁକି ମିଛ କହିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର୍ ସେଭରାଲ୍ ମନ୍ଥସ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ମେଗି ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ବ୍ୟାଥି, କିଛି ମାସ ପରେ ଲେଖକ ମେଗି ଏବଂ ମିସେସ୍ ବ୍ୟାଥିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମିସେସ୍ ବ୍ୟାଥି ୱାଜ୍ ସିକ୍, ମିସେସ୍ ବ୍ୟାଥି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରାଭେଟେଡ୍ ବାଇ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ଫର୍ ଫ୍ରାଙ୍କି, ଏବଂ ଏଇ ଅସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କର ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରାଙ୍କି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିବ୍ରତ ହୋଇ ହୋଇ। ମ୍ୟାଗି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଦ ରାଇଟର୍, ତେଣୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ରାଇଟର୍ଙ୍କୁ, ଟୁ ଟେଲ୍ ହର୍ ମଦର୍, ତା ମାଆକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ୱାଜ୍ ଆଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍, ଫ୍ରାଙ୍କି ଭଲରେ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ରାଇଟର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ମ୍ୟାଗି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହର୍ ମଦର୍ ଉଡ୍ ବି ରିକଭର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଇଲନେସ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ବୋଉ ଏଇ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଟେଲ୍ ଏ ଲାଏ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଲେଖକଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାଇଟର୍ ମୁଦିଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନ୍ ସିଙ୍ଗ ଦ ରିଙ୍ଗ, ମୁଦିଟିକୁ ଦେଖି ହି ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ହର୍ ବେଡ୍ ସାଇଡ୍, ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା'ର ବିଛଣା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଟୋଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ହର୍ ସନ୍ ୱାଜ୍ ଆଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍, ତା'ର ପୁଅ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲେଖକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା, ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ଦେଖ, ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ, କହିବା କଥା ଏ ବିଷୟଟିର ନାଁ କାହିଁକି ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଅନ୍ ଦି ଡେ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଚର୍ ମ୍ୟାଗି ମେଟ୍ ଦ ରାଇଟର୍, ଯେଉଁଦିନ ଲେଖକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ମ୍ୟାଗି ଯାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦ ରାଇଟର୍ ପ୍ରମିଜ୍ଡ ହର୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହର୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରେଭ୍, ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ତା ଭାଇର ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ଭେଟିବେ ବା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗ୍ରେଭ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ହର୍ ଫେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ମ୍ୟାଗିର ମୁହଁଟି କୃତଜ୍ଞତାରେ
परिपूर्ण हेगला ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता एंड थैंक्ड हिम इन ए चोक्ड वॉइस एवं श्वासरुद्ध कंठरे ताकु धन्यवाद देथिले। सी टुक ए सिलिंग आउट ऑफ हर पॉकेट ता पॉकेट रो गोटे सिलिंग बाहर करथिले एंड ऑफर्ड द राइटर एवं राइटर को जाची थिले नवा पाए टू बाय फ्लावर्स फूल किनिबा पाए एंड टू ले देम ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव एवं ताकु नै ता भाईर समाधि रे देबा पाए फूल किनिकी। दो इट वाज ए सिलिंग जदियो इटा मात्र गोटे सिलिंग थिला ऑन विथ सो मच टायर किंतु बहु कष्ट अर्जन करा जायतिला सिलिंग टी कारण छेटी बहु कष्ट करी पैसा रोजगार करूथला। इट वाज द टोकन ऑफ लव ऑफ ए सिस्टर यहाँ थिला भलो पाइबार प्रतीक टोकन बा सिंबल ऑफ लव गोटे भौणीर ता भाई प्रति बाता हरे थिवा भाई प्रति लॉस्ट ब्रदर हरे थिवा भाई प्रति गोटे भौणीर एहाँ थिला भल पाइबार प्रतीक टोकन ऑफ लव। इट इज सैड हेन्स इट इज सैड टू बी प्राइसलेस ये यह एक अमूल्य रत्न गोटे सिलिंग हेले भी तार भल पाइबाटा को केवे पैसा रे तुलना करा जाए पारे नहीं से अमूल्य उपहार रही पाने लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ी को लिखिदेव एवं जो मैंने नुआक आसीच तुम मैंने सब्सक्राइब करने को भूलना एवं तुम सांग सहित शेयर करदेव कारण तुमर से गोटे सब्सक्राइब मत पी अनुरूप भिडियो करिवारे उत्साह जगेदेव। धन्यवाद।